रीनिट सुबह दे सकते हैं क्या? रीनिट सब दे सकते हैं क्या? तो मैं उनसे पूछ के बताता हूँ क्या होने वाला है। ऐसे पूछते हो, चकरा मैं रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिल बच्चे ऐसे बोलते, ये मास्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये कह रहा है। मैंने आज तक किसी वीडियो में ये नहीं बोला रीनिट होना चाहिए। मैंने हमेशा बोला है कि नहीं, दुख होता है बच्चे कभी कुछ भी बोल देते हैं भाई। अब हर बच्चा अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन हम किसी के हिसाब से नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि जो गलती हुई है, जो चीटिंग हुई है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत पड़ेगा। यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया 18 जून को, परसों ही हुआ था यूजीसी नेट का एग्जाम, और कल उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि चीटिंग हुई थी। उसमें भी 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, नीट का आधा हो गया। 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, एनटीए ने पेपर कराया था, 11 लाख, और वो कैंसिल हो गया क्योंकि चीटिंग हुआ था। मतलब मजाक बना दिया एनटीए साहब ने। तो खैर, तो हम कह रहे हैं कि एनटीए ने ग्रेस मार्क गलत तरीके से दिया, एनटीए पेपर लीकेज को नहीं रोक पा रही है, एनटीए का तरीका गलत है, एनटीए का स्क्रूटनी गलत है, इनके ग्रेस मार्क्स कितने बच्चों को दिया पता नहीं चल रहा, तो सब कुछ एनटीए का थोड़ा गलत गलत है। तो हम तो एनटीए की गलती के बारे में पॉइंट आउट करें। हम आज नहीं करेंगे तो हमेशा गलती होता रहेगा, और अन्याय आपके साथ होगा। कुछ इस साल के बच्चों के साथ हुआ है, अगले साल बच्चों के साथ फिर होगा। तुम क्या चाहते हो, कट ऑफ 680 पहुंच जाए? अरे हर बच्चा टॉपर नहीं होता, कुछ एवरेज भी होते हैं, और डिजर्व करते हैं 730 सॉरी 630 नंबर, 640 नंबर, 620 नंबर ला के गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचना। सब कोई शक्तिमान नहीं होता, होते हैं बहुत एक्सेप्शनल इंसान होते हैं जिसके 690 आ जाएंगे, 700 आ जाएंगे, लेकिन क्या तुम 700 का टारगेट लेके चलोगे? और चलो टारगेट लेके, लेकिन 640 भी आ जाए तो कॉलेज तो मिल जाना चाहिए ना। तो हम तो ये बात कह रहे हैं, है ना, अरे मास्टर रीनीट कर रहा है। मैंने कभी नहीं बोला इस मास्टर, ये मास्टर ऐसा है, ये मास्टर, अरे यार, अरे कहने से कुछ नहीं होता भाई, साधारण आदमी हूं मैं, कोई नहीं सुनता, तो क्यों कहते हो फिर भाई? जो गलत है वो तो गलत बोलेंगे ना। अरे जो गलती कर रही है एनटीए, उसको सुधार सकती है गवर्नमेंट, हाथ में है एनटीए के, क्या किया है एनटीए को पता है, गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, हमारे हाथ में क्या? अरे हमारा बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है, हमारा बोलने से कुछ होगा? हमको पता है क्या गलती हुई है, रिजल्ट में जो दिख रहा है, पेपर में जो आ रहा है, न्यूज में जो आ रहा है, चिटिंग हुई है, थाने में केस है, तो हम तो बताएंगे ये गलत है। क्योंकि आज तुम भले ही किसी वजह से कॉलेज में चले जाओ, पीजी का भी पेपर एनटीए ही कराता है, तो एनटीए जब सारे पेपर नहीं करा रहा, गलत गलत तरीके से करा पा रहा है, हर पेपर में गलती हो रही है, तो आगे क्या ही होगा?